मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम डोडिया मीणा में मानता के कार्यक्रम में भोजन करने के बाद 100 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। यहां भोजन में दाल चावल बाफले व लड्डू बने थे। प्रभावितों में अधिकतर बच्चे शामिल हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम डोडिया मीणा में शुक्रवार को मानता के कार्यक्रम में भोजन करने के बाद 100 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। यहां भोजन में लड्डू बाफले दाल चावल बने थे। भोजन करने के बाद लोगों को घबराहट के बाद उल्टियां होने लगी। इनमें बच्चे अधिक थे। इनका ग्राम मुंदेड़ी में निजी चिकित्सक द्वारा उपचार किया गया। बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची। कुछ लोग उपचार के लिए मंदसौर भी आए। प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश की सेहत में सुधार हो गया। देर शाम को कलेक्टर मनोज पुष्प मुंदेड़ी एवं डोडिया मीणा पहुंचे, लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने भी दाल बाफले लड्डू एवं चावल के सैंपल लिए। कल शाम को गांव डोडिया मीणा में कुछ केसेस को पेट दर्द उल्टी की शिकायत थी, उन्होंने एक जगह खाना खाया था, उसके बाद ऐसा हुआ। तो इस संदर्भ में हमने जिला चिकित्सालय मंदसौर से एक टीम भेजी थी और एक टीम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हारगढ़ से वहाँ पहुँची थी। उन लोगों ने वहाँ जाकर ही त्वरित उनका इलाज किया जी। स्वयं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भी वहाँ गए थे और मेरी जानकारी के मुताबिक स्वयं कलेक्टर महोदय भी वहाँ जाकर देख के आए थे। वहाँ से करीबन यहाँ से कुल 13 एक केस हमारे जिला चिकित्सालय में लाए गए, वो भी सब स्वस्थ रहे। उनको आज लगभग सबको डिस्चार्ज कर दिया गया है। कलेक्टर मोदी ने आकर यहाँ जिला चिकित्सालय में भी उनसे स्वास्थ्य का पूरा जानकारी ली थी। देखिए, एक व्यक्ति उसी गांव का डोडिया मीणा का ही बुजुर्ग व्यक्ति था, वो सुबह गैस्पिंग कंडीशन में जिला चिकित्सालय में लाया गया, उसकी मौत हुई। हमारे डॉक्टर द्वारा उसे ड्यूटी डॉक्टर द्वारा देखा गया और उनका ये मत था कि ये इसको कोई रेस्पिरेटरी या कार्डियक प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। फूड पॉइजनिंग की वजह से ऐसा होना संभव नहीं था। भी उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। भोज के आयोजनकर्ता ने बताया कि मंदसौर के कालाखीर क्षेत्र में स्थित मावे की दुकान से मावा खरीदा था, उसी से लड्डू बनाए गए थे। उनका मानना है कि लड्डू खाने के बाद ही लोग बीमार पड़े हैं। सर, हमारे कार्यक्रम था, मानता कार्यक्रम था, उसमें कुछ मेहमान भी बीमार हुए, हमारे कुछ परिवार के बीमार हुए हैं। वो जो उसमें जो मावा लेके आए थे, महावीर मावा वाले यहाँ से जो कालाखेत में दुकान है, वहाँ से हम मावा लेके आए हैं। वो नगद पैसे दिए, पैसे पूरे दिए हमने उसको। वो जो मावा लेके आए, उसके बाद जो लड्डू बना है, वो लड्डू खाने के बाद में हमारे मेहमान भी बीमार हुए, हमारे परिवार वाले भी बीमार हुए, हमारे जो कुछ मिलने वाले थे वो भी बीमार हुए हैं। उसमें एक इंसान की मृत्यु भी हो गई, जिसकी उम्र करीबन 90-95 करीबन थी। सर, करीबन 30 से लोग तो बीमार हुए हैं जी, जी। जिसमें एक मृत्यु हुई है जी। प्रशासन की तरफ से तो अच्छी सुविधा मिली हमारे को। कलेक्टर साहब भी आए हैं यहाँ पे, एडीएम साहब भी आए हैं, पूरी स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम है अभी भी मौजूद है यहाँ गांव में है, उनकी तरफ से हमारे को बहुत। सर, हम ये मांग चाहते हैं कि अगर ऐसी कालाबाजारी चलती रहेगी मार्केट में, अगर ऐसा मतलब दूषित मावा और मतलब मिलावटखोर मावा चलता रहेगा तो जनता का कैसे उद्धार होगा और कब तक मतलब ऐसा चलता रहेगा। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि ऐसी दुकानें और कालाबाजारी बंद हो और ऐसे लोगों के खिलाफ मतलब सख्त सख्त कार्रवाई हो। वहाँ पे गए हैं तो वो तो पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम वहाँ पे ये हुआ है, ये करा होगा, वो करा होगा, दूसरी जगह भी पहुँचा है। मतलब वो अपने ऊपर कुछ ले नहीं रहे हैं सर जी, ना तो वो मतलब बात करने को सही राजी हुए हैं और कुछ भी। थोड़ी देर खड़े रहे, उसके बाद हम वापस सिविल हॉस्पिटल आ गए और वहाँ पे हमारी भी तबीयत खराब हो गई सर। हम भी वहाँ कल से एडमिट हुए थे और अभी हमारे को डिस्चार्ज करा। तो ये मिठाई खराब आने से सबकी तबीयत खराब हो गई। करते हैं कि दुकान वाले ने ऐसा मावा दिया तो सबकी तबीयत बिगड़ गई, तो उसको बोलो जाके कि वो ऐसा खराब सामान ना बेचे। कुल मिलाकर खाद्य विभाग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही फूड पॉइजनिंग के असल वजह का पता चल सकेगा। मंदसौर से MP News के लिए रंगलाल धनगर की रिपोर्ट।